हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू घर पे सीखो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रही है बहुत तेज़ी वाली बारिश। तो चलिए, ऐसी बारिश में किस किस का पकौड़ा खाने का मन करता है। तो ये देखिए, मैंने पकौड़े के लिए तैयारी कर रही हूँ। बेसन निकाल लिया, सूजी निकाल लिया। बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो मैंने मिलाया इसमें सत्तू। सत्तू भी बेसन, मतलब ये चने से ही भुना चने का सत्तू था, तो ये इससे बन जाएंगे। और थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने मिलाई सत्तू की, मतलब बेसन दो पार्ट था, थोड़ा सूजी डाल दिया एक पार्ट और एक पार्ट सत्तू डाल दिया है। और उसका अभी हम ना बैटर बना देंगे, मतलब पकौड़े के लिए जिस तरीके से, जिस कंसिस्टेंसी का चाहिए होता है। पानी डाल के सबसे पहले इसको भिगो देंगे, और जैसे ही ये पानी डालने के बाद उसको थोड़ा, जब तक हमने भिगोया था तब तक आलू प्याज भी काट दिए थे। फिर डाल दिए मसाला, इसमें सौंफ, जीरा, अजवाइन, मिर्ची, धनिया, नमक, हल्दी। हल्दी क्योंकि मैंने इसलिए डाली क्योंकि बारिश का मौसम है ना, हल्दी एंटीबायोटिक होती है तो फ़ायदा भी करती है, स्पेशली ठंड के दिनों में और बारिश के दिनों में हल्दी बहुत फ़ायदा करती है। उसके बाद मैंने मिला दिया इसमें कटे हुए आलू प्याज और हरी मिर्ची। तो ये देखिए, प्याज को मैंने तो लंबा लंबा काटा था और आलू को थोड़ा छोटा छोटा काट दिया, जिससे कि जल्दी पक जाएगा, क्योंकि प्याज तो थोड़ा जल्दी पक जाती है, आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आलू को इसलिए छोटे छोटे पीसेस में कर दिया है हम। और उसके बाद में हम इसको अच्छे से मिलाने के बाद में हम इसके पकौड़े तल लेंगे। तो फ्रेंड, किस किस को बारिश में पकौड़े खाने अच्छे लगते हैं? यदि अच्छे लगते हैं तो बनाइए और खाइए। और वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं इसके गर्मा गर्म पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए देखिए, जब भी हम कोई झरिया वगैरह लेते हैं ना, तो एक ट्रिक है, यदि इसमें हल्का सा पानी है कुछ है तो आप इसको इस तरीके से सुखा सकते हैं कपड़े से पोंछ के। कई बार क्या होता है, कपड़े से भी पोंछने के बाद भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो यदि उसमें थोड़ा सा आँच दिखा देते हैं ना, तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, हमारी झरिया एकदम सूखी हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पकौड़े को, ये तो मैंने हाथ से बनाए थे, आप चम्मच से भी बना सकते हैं। जनरली मैं चम्मच से ही बनाती हूँ, जिससे कि बार बार हमें हाथ धोने नहीं पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप पकौड़े गर्मा गर्म बना सकते हैं और बच्चों को सॉस और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बाय बाय।